मेरा एक आसियाना बन रहा है तो मेरा दूसरा आसियाना दोस्तों उजड़ रहा है। मुझे जितना उसको बनने का खुशी है उससे कई गुना ज़्यादा दुखी इस बात का है दुख कि ये सब चीज़ें उजड़ रही हैं, क्योंकि मैंने इतना मुश्किल से इनको लगाया है, एक एक करके संजो करके बढ़ाया है, तब जा कर के इतने बड़े हुए। देखिए आधा गन्ना हमारा हो चुका है, मतलब बच्चे लोग के खाने इतना है। वाओ, देखो वो भी है, इसको इधर ही से इधर ही फेंका जा रहा है दोस्तों। अब की कहां बात है, अरे मुझसे रहा नहीं जा रहा दोस्तों, इसीलिए मैं गन्ने को किसी को जूठे को लगाएंगे। यस, जूठा ही तो है, सबरी जूठा की थी बताइए, राम भगवान तो नहीं बोले तो जूठा। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांता अभी साहब ने वरदान है, कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आपका प्यारा सा कमेंट मेरे लिए इतना अचूक होता है ना, जैसे रामबाण होता है ना किसी रोग के लिए, रोगी के लिए, तो वैसे ही यह काम करता है। मैं फटाक से अच्छी हो जाती हूँ, और सब लोग काम पे लग गया, मुझे बुलाया जा रहा है, क्योंकि जिस जो लोग काम कर रहे हैं वो मेरे हिस्से का है, मेरे घर का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और उसी जगह से मेरा दिन रात माथा ख़राब होता है, तो सारा चीज़ वहाँ से ठीक होता है। आप सब लोग बहुत लोग गेस कर लिए होंगे इतना दिन में, तो मुझे भी जान गए होंगे कि मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। तो चलिए, मैं भी सोच रही थी कि और सारी रील्स वगैरह अपलोड कर लेती हूँ, क्योंकि दो तीन दिनों से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। क्या वो बोल रहा, तू बताएगी तब ना, जैसे कि मेरे बोलने से। इधर इधर आइए, ऑलरेडी बहुत सारा काम कर चुकी है, और मम्मी दिखाएगी आपको मेरे गार्डन से क्या क्या लाई है, बताइए इधर आके। फूल है, मिर्ची है, और इतना सारा मिर्च कहाँ से है, बारिश है, इतना सारा मिर्च हमारे बारिश से है, और इतना मस्त ये मिर्ची, मतलब इतना तीखा है ना। और आज मम्मी इसका कुछ बनाएगी, क्या बनाइएगा, इसका पकौड़ा। हाँ, तो जो भी बनाइएगा इनसे शेयर करिएगा, ठीक है। उन लोग को आज भर का समय मिला है, आज उन लोग काम नहीं करेंगे, रविवार को छुट्टी रहता है शायद, तो यहाँ पे जितना एरिया है इसको हटाना होगा, क्योंकि यहीं पे काम करेगा। तो सारा चीज़ तो आप सबको पता है दोस्तों, ये मेरा फेवरेट है, ये सारी चीज़ें मेरी फेवरेट है, और इसको हटाना पड़ेगा। बहुत ही मेहनत से इन फूलों को हम लगाए थे, छोड़ दो क्या, आप सबको तोड़ दे, क्या फूल भी तोड़ दिया, हम क्या बोले, एक चीज संभालते तब तो दूसरा चीज़ इन लोग खराब करता है। सारे फूलों को सजाया थे, वापस करके एक एक करके निकालेंगे दोस्तों, और हमारे घर में उतना स्पेस भी नहीं है कि कहीं कहीं और लगा दें। मिर्च का पौधा तो हटा दिए हैं, और हटा करके पता है क्या कर रहा है, उसको तो बोलने से भी नहीं सुनता है, गाली लड़ाई चल रहा है। सुन लिया, सुन लिया, छोड़ दो ना, सुन लिया, फॉर्म में मत आओ तुम। तो मिर्ची रहने दीजिए ना, मिर्ची का है ना? अरे है, सड़ जाएगा, अरे नहीं होगा, पेड़ में खराब होता है, देखिए इसको लगाई थर, ऐसे काम कराना। अब मेरा बीपी हाई होना, हम नहीं चाहते इसको मेरे ब्लॉग में लाना, कभी नहीं चाहते, आप तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, मगर आप सबको पता है कि जब कोई घर में रहेगा ना तो वो दिख ही जाएगा, है ना, बस यही बात है, नहीं तो हम इसको ब्लॉग व्लॉग में नहीं लाते, हम अपना काफी है कंटेंट लाने के लिए। मिर्ची लगा ना, बाबा को ही जिके लगाइए ना, उसको डंडा है, उसको खड़ा कीजिए, उसका बांस को यहाँ काहे कर दिया है, हाँ दीवार में सपोर्ट दिया है, कुछ भी बोलेगा, देख लीजिए दीवार में सपोर्ट है लकड़ी का, बोलता है हाँ हटा दो। तो ये मिर्ची यहाँ पे लगाया था इस जगह पे, अभी हटाए हम, इस साइड में देखिए, साइड साइड से फूल लगाने का प्लानिंग है मेरा, ताकि इस तरह से सुंदर लगे, है ना। देखिए कितना सारा गुलाब मेरे घर में खिला है, 150 में लाए थे हम, और कटिंग करके दो तीन जगह लगाए हैं, देखिए पूरा फूल ही फूल है। अब वो उधर गया है ना, उधर और कुछ कुछ लगा है, वो डैमेज कर रहा होगा पक्का। देखिए कितने बड़े बड़े मिर्च फल है, दिखाई इधर, देखिए आप लोग मिर्च देख सकते हैं, पकड़ना। गेंदा फूल को सोच दोस्तों, हम वो साइड से सोचे किनारे किनारे लगाने का, साइड में लगेगा, फिर तोड़ देगा, बांस बाहर नहीं लगता है, छज्जा में बाहर कैसे नहीं लगेगा रे, कहाँ छज्जा बनेगा, ऊपर वाला छज्जा का, ऊपर छत हो गया, छत का छज्जा का देगा ना, यहाँ तक निकालिएगा छज्जा, हाँ यहाँ तक निकलेगा, यहाँ तक
मेरा एक आसियाना बन रहा है तो मेरा दूसरा आसियाना दोस्तों उजड़ रहा है। मुझे जितना उसको बनने का खुशी है उससे कई गुना ज्यादा दुखी इस बात का है दुख कि ये सब चीजें उजड़ रही हैं, क्योंकि मैंने इतना मुश्किल से इनको लगाया है, एक एक करके संजो करके बढ़ाया है, तब जा करके ये इतने बड़े हुए हैं। जो लोग देखते होंगे मेरी वीडियो तो देखते होंगे कि मैं इनका ख्याल अपने बच्चों की तरह रखती हूँ और कितने घंटे मुझे लग जाते इधर बैठ बैठ के काम करने में। तो अब ये जो है ना दोस्तों गन्ना, जो गन्ना मैं लगाई थी अपने शौक से बहुत ही प्यार से, हाँ तो गन्ना उधर वाला गिरा हुआ उठाओ ना, गिरा हुआ, ये गिरा हुआ आदमी को कुछ समझ ही में नहीं आता है कि क्या गिरा हुआ उठाना है। उधर आधा गन्ना गिरा है ना उसको उठाओ, ये यहाँ पे फरल है। ओ है वो। अच्छा दूसरे, देखिए हमको लगा ना कि ये सब्जी है फला हुआ, तुम खुश हो रहे थे ये सारा, लेकिन मम्मी का कहना कि जो नीचे बैठता है ना उसको खाया जाता है बहुत ही हैवी तरह। देखिए आधा गन्ना हमारा हो चुका है, मतलब बच्चे लोग के खाने इतना है। देखो गन्ना निकल, देखो वो भी है, हम बहुत खुश है। चलिए इतना तो हो गया, बहुत है, तीन चार थोड़ा लग गया था, सुंदर। और एक महीना रहता ना, हाँ और एक महीना रहता ना दोस्तों तो एकदम खाने एकदम मीठा मीठा हो जाता। ठंडे में तो हो ही जाता, हाँ ठंडा आता हो जाता, हाँ ठंडा आता हो जाता। देखो तोड़ दिया, ये मेरे हाथों पे कितना प्यारा वाला जो है ना वो है। और ये देखिए मेंढक बाबा, ये इतना जोर जंप करता है ना कि पूछिए मत, किनको किनको ये सारी चीजों से डर लगता है बताइएगा। अब तो मुझे इन सारी चीजों से प्यार हो गया है, इसको टच कर तुम्हारी तरह जो थेथर थेथर, हम तो ऐसे धर के दोस्तों ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तुम जो करता मेरा दिमाग का नस चढ़ जाता, यहाँ चढ़ गया, चढ़ने दो। देखिए क्या सॉलिड सॉलिड गन्ना निकला दोस्तों, ये है मेरा मेहनत का मीठा वाला फल। अमरुद का पौधा है ये भी, तो वो काम कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि हम ले जाएंगे बोल के। और ये देसी ब्रीड है मेरा, मतलब नर्सरी का नहीं है, मेरा खुद का लगा गया हुआ है। अरे ओकर भरोसा मत कर, वो काट के फेंक दो तो अपन ढूंढ। सब लोग सीम का लत ढूंढ रहा है, तो सिमी उखाड़ के नहीं लग सकता है, हाँ तभी तो एकदम बेबी ही होगा। एकदम कोशिश करो उसको लगा के एकदम किनारे में उधर खड़ा कर दो, क्योंकि बहुत भारी फल देता है। पानी से हटो गए, देख रहे खेत तरफ चला गया गंदगी में, ऊपर यहाँ इसमें चढ़ा, इसमें चढ़ा दो, ई वाला में यहाँ चढ़ाओ उसका, उधर इधर सामने मत करो, हो सके इधर बल्ली खूटा बांध देगा। हम लोग इस सीम का पेड़ को देखिए कैसे सजा रहे हैं, लेके जाना जा रहा है ना, उसको हटाना ही होगा फूल वाला, तुम लोग कल बते नहीं सुने, हम समझ रहे हैं वहाँ जो दिया है वो नीचे रहा हुआ उसी की वजह से, हम टाइबिंग मारिए टाइबिंग वहाँ नहीं करिएगा ना, इधर सेम टू सेम टाइबिंग डालेगा तो करेगा, एक यहाँ करेगा एक वहाँ करेगा, इसीलिए उसका कहना था कि एगो किया हुआ एगो वहाँ कर देंगे। वो अपना चालाकी में है, चालाकी क्या तुम्हारा भी सब चीज़ बचेगा, ठीक है लेकिन ये भी तो बचाना जरूरी है, फूल के लिए तुम एक फूल के लिए यहाँ पे तुम हमेशा सब्जी एक लता चढ़ा दोगे तो खाली रख सकते हैं आप, तो बोला ना कि खाली पक्का नहीं कीजिए, हाँ तो नीचे यहाँ पे कर इसी तरह कर लेगा, सीढ़ी का पीछे का पार्ट होगा ना, पीछे का पार्ट होगा जैसे इधर चबूतरा यहाँ बनेगा ना उसके पीछे का ये पार्ट होगा,
इतना दिमाग है मेरे पास, अपना दिमाग अपने तक रखो। रानी का चावल नहीं लाए पिछले बार लाए। सच में तुम गाली खाने वाला काम करते हो ना, तुमको लगता है ना खाली गाली दे। जाएगी चिकन लेने तो वहीं नहीं लेना चावल। सुन ले इसका, जाओ तुम दुकान जाएगी मतलब ये बैठ के खाएगा और हम जाएगा लाएगा। ओ हम बैठे हैं यहाँ है ना, चलिए तो हम भी मेरा काम ही कर रहे हैं, मेरा घर का चीजें दिखा रही, मेरा काम नहीं है ना। उठाइए, जैसे मेरे काम का कोई वैल्यू नहीं है ना, वैसे तेरे काम का भी कोई वैल्यू नहीं मेरे नजर में। किसी ने वैल्यू क्या बोला, सबको खाना खिलाती, तुम ही तो सबसे वैल्यू वाला काम है। सुन ले इसका ताना, सुन लिए ताना है। अरे कहाँ फंस रहा है, देख रहे भगवान करे तेरा गर्दरिया में फंस जाए, मेरी दुआ करेंगे। रुके, रुके, रुके। और छोड़ाएंगे भी नहीं, अभी लगा था ना खोपड़िया में बसवा से, यही वजह से लगा था। इसको इधर ही से इधर ही फेंका जा रहा दोस्तों। अब की कहाँ बात है, तुम लोग सक जाएगा तो ही जानना। देख रहे कितना कनेक्शन मेरा फैला रहता दूर दूर तक, कोई भी चीज हम ना एकदम जड़ तक फैला देते हैं, हालत ही बिगाड़ दो सामने वाले का। कभी नहीं, कल फेंक भी सुखा गया जाता रहे फेंक रहे, माटी भर रहा है वो सूखने के बाद झड़ जाएगा, माटी है तो क्या हुआ। इतना अच्छा माटी सब केचुआ लगा हुआ है, डाली उधर यही ना माटी करता है। देख ले फॉरेन से पढ़ के आया है फार्मर के बारे में, एक चल ना उगन्ना कौन उगाया है खा के बताओ मीठा है कि नहीं है। मुझसे रहा नहीं जा रहा दोस्तों, इसीलिए मैं गन्ने को इसी को जूठे को लगाएंगे। यस झूठा ही तो है, सबरी झूठा की थी बताइए, राम भगवान तो नहीं बोले थे झूठा। पार कीजिए जल्दी जल्दी, क्या पार करें, ये आई बहुत मीठा है, बहुत तो नहीं कह सकते बट है मीठा, हम ब्रश भी नहीं किए ठीक है, लेकिन हमसे रहा नहीं गया इसीलिए हम बोले नहीं मुंह तो लगाएंगे हम तो मीठा। अभी कुछ दिन और रहता ना तब ये सॉलिड वाला एकदम टेस्ट आ जाता, बट है बच्चा लोग खा लेगा हम लोग भी खा सकते हैं, इतना वाला मीठा तो है। ये वाला फूल भी हटाना पड़ेगा सारा, देखिए यहाँ दर्द यही है, इसी को हटाना, इसी को हटाना बहुत टेंशन लग रहा है क्योंकि यही वाला हिस्सा ध्यान था यहाँ पे बहुत खूबसूरत लगता था और बड़ा होने के बाद और खूबसूरत लगता, एरिया पूरा मस्त एकदम हो जाता। क्या चूजा पकड़ दो ना, नहीं 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 चूजा उधर नहीं पकड़ना, छोड़ दो चाकू नहीं सब नहीं, नानी नहीं पकड़ो उसे, नानी पकड़ती तो तुम लोग को पकड़ना हुआ ना, तुम जानती हो उसको। देखिए सारा आसियाना उजड़ गया, आप सबको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा है ना, खत्म हो गया यहाँ पे जो भी शो था यहाँ का सारा खत्म। क्या मांग रहे दो घी दो, उसको क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है, तो उसको चप्पल दो। ये सब साइड से सर दर्द है, इन लोगों को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है नहीं हो रहा। ये वाला फूल हम लोग अभी छोड़ दिए कि जो ठेकेदार है ना वो खुद कंफ्यूज है कि कहाँ तक क्या करना नहीं करना है, तो जब वो जैसे बोलेगा तुरंत हटा देंगे हम लोग, अभी छोड़ दिए क्योंकि इसको कहीं हम लोग को जगह लगाना होगा, उतना जगह तो है नहीं, दिख रहे पूरा चारों तरफ तो भरा भरा है दोस्तों। और वहाँ पर जो सीम का लता था ना वो उस साइड मम्मी उखाड़ दी है सीम का लता को और उधर करने का कोशिश कर रही है, उस साइड से लगा करके और उसको कपड़ा ढक देगी चारों तरफ, लता हो गया था ना खाने के लिए सेम हो जाता, तो देखिए हो पाता है कि नहीं। बहुत हम लोग मेहनत करते हैं दोस्तों, हर एक चीज़ में मेहनत लगता है, आप लोग से उम्मीद करते कि आप लोग प्लीज़ समझिए, खूब सारा सपोर्ट करिए। और चलिए मिलेंगे आप सभी को, आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोग ढेर सारा प्यार करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। नॉट फीलिंग गुड, क्या चाहिए तो तुम चप्पल लेके खुद नहीं जा सकते, चप्पल लाने जाओ, पैर इसका गंदा हो जाएगा, धो लिया है इसीलिए इसको चप्पल ना इसका पैर के पास ही चाहिए। वो चली गई अपना उधर, अरे रो रहा चप्पल ताइए चप्पल ताइए, अभी दो चार चप्पल दे देंगे हम। तो जा रहा है का?
ही